हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनाया एंड वंडर मॉम स्टूडियो। फ्रेंड्स, आज की रेमेडी बहुत ही आसान सी बनने वाली है, पर उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आलू एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा ही हम सबके घरों में अवेलेबल होता है। आलू एक मेरेकल है जो हमारे स्किन के लिए स्किन टोन को एवर ग्रीन करता है, दाग धब्बों को दूर करता है, फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स को टाइटिंग करता है। आज मैं आप सबके साथ एक होममेड रेमेडी शेयर करूंगी जो कि आपकी स्किन को 15 डेज में टाइटिंग करेगी, क्लियर करेगी एंड ब्राइटनिंग लाएगी। आपकी स्किन को एटलीस्ट 10 ईयर्स यंगर दिखने में हेल्प करेगी। यह रेमेडी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, तो चलिए इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। फ्रेंड्स, इस रेमेडी का मेन आलू है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो आप एक मीडियम साइज आलू लीजिए और उसे अच्छे से वॉश करके छील लीजिए। छीलने के बाद आप इस आलू को किसी ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। आलू में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, जैसे कि विटामिन्स B1, B2, B6, विटामिन सी एंड मिनरल लाइक्स पोटेशियम, आयरन एंड फास्फोरस। आलू एक स्किन टैनिंग को रिमूव करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स को फेड करता है। आलू हमारे दाग धब्बे को फेड अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपके फेस में एक्नेस स्पॉट हो, तो अपने फेस में आलू का रोज रस लगाएं, तो आप देखेंगे कि 15 डेज़ में आपके एक्नेस स्पॉट भी दूर हो जाएंगे। जैसा कि गाइस कि आप देख रहे हैं कि आलू हमारी कद्दूकस हो चुकी है और इसे छानना होगा, जिससे कि हम इसका जूस एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। आप एक छलनी लीजिए, आप देख सकते हैं कि आप छलनी से इसका रस अलग कर लिया, आलू का पल्क भी अलग हो गया। तो चलिए हम अपनी 2-स्टेज रेमेडी बनाना शुरू करते हैं गाइस। इस रेमेडी में हम एक फेस क्लिंजर बनाएंगे और एक फेस मास्क। फेस क्लिंजर के लिए हम जो आलू का पल्क है वो यूज करेंगे, फेस मास्क के लिए पोटैटो जूस यूज करेंगे। फेस क्लिंजर के लिए एक बाउल में पल्क ले लीजिए, 2 से 3 टेबल स्पून कच्चा दूध ऐड कर लीजिए और अच्छे से दूध और पल्क को मिक्स कर लीजिए। फेस क्लिंजर एकदम रेडी हो गया आपका, देख सकते हैं गाइस। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने फेस को गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए और फिर उसे क्लिंजर को अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए अच्छे से। गाइस, यहाँ पे मैं अपने हैंड्स में आपको अप्लाई करके शो कर रही हूँ। गाइस, अप्लाई करने के बाद अपने फेस पर हाथों से अच्छे से मसाज कीजिए, जिससे कि टैनिंग रिमूव होगी, डार्क स्पॉट दूर होंगे। फिर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, देन हॉट वाटर से फेस को वॉश कर लीजिए अच्छे से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाइस, आलू में स्किन ब्लीचिंग प्रोटेक्टिव भी होती है। आलू बहुत ही अच्छे लाइटिंग एजेंट की तरह काम करता है। जैसे कि हमारे फेस में टैनिंग हो जाती है तो हम कई तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं, बट टैनिंग नहीं जाती है। आप सिर्फ आलू के रस को 15 डेज यूज कीजिए आपकी स्किन पर कंटिन्यूसली। रोज़ रात को सोने से पहले आप देखेंगे कि 15 ही दिनों में आपकी स्किन टोन में एकदम एवर ग्रीन स्किन वराइटिंग आ जाएगी। गाइस, देख सकते हैं स्किन को। अब नेक्स्ट बनाएंगे अपना फेस मास्क। फेस मास्क बनाने के लिए हम अपना मेन इंग्रेडिएंट चाहिए होगा, वो पोटैटो स्टार्च, जो हमने पोटैटो का जूस निकाल के रखा था। आप उसे लीजिए, जब आलू के जूस को हटाएंगे तब आप देखेंगे बाउल के नीचे वाइट सा सॉल्यूशन डिपॉजिट हो गया है, वो है पोटैटो स्टार्च। आप देख सकते हैं बाउल में वाइट कलर का। उसमें 2 टेबल राइस का आटा ऐड करेंगे। नेक्स्ट 1 टेबल स्पून हनी ऐड कर लेंगे। देन 1 टेबल स्पून पोटैटो जूस ऐड करेंगे, 1 या 2 टेबल स्पून। गाइस, लास्ट में हम इसमें 3 से 4 ड्रॉप्स लेमन जूस ऐड करेंगे। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो लेमन जूस ऐड मत कीजिए। अब ये अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर लेंगे, फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा फेस पैक बिल्कुल रेडी हो गया, कंसिस्टेंसी क्रीमी है हमारी। स्टार्च हमारी स्किन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। चलिए अब फेस मास्क को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। गाइस, चावल के आटे में एंटीजन प्रॉपर्टी होती है जो चेहरे में टाइट करता है और दाग धब्बे को दूर करता है और ब्राइटनिंग लाता है। जितनी भी चाइनीज कोरियन वुमेंस होती हैं वो स्किन केयर में चावल के आटे को ज़रूर उपयोग करती हैं, क्योंकि स्किन को क्रिस्टल क्लीन बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है।
हनी में हनी स्किन को हाइड्रेट करता है, लेमन का रस भी स्किन को हर तरह के दाग धब्बे को दूर करता है। अब चाहे ये आप गाइस आप इसे चाहे अपने ब्रश से अप्लाई करें या अपने हाथों से अप्लाई करें, इसको अच्छे से आप अप्लाई कर लीजिए गाइस, और एक हाफ आवर्स के लिए सूखने के लिए इसे छोड़ देंगे गाइस। आपको इस फेस मास्क को वीक में 3 to 4 days ज़रूर अप्लाई करना चाहिए फॉर द मैक्सिमम रिजल्ट। गाइस आप इन दोनों स्टेप्स को 15 से 20 डेज के लिए कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे तो खुद देख के आप हैरान हो जाएंगे कि रेमेडी कितनी आपके लिए इफ़ेक्टिव है और ये आपकी स्किन को कांच की तरह बेदाग बना देगा। तो फ्रेंड्स आप इस बूस्टर ट्रीटमेंट को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसे फ़ायदेमंद वीडियोस के लिए। गाइज मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, टेक केयर गाइज़।